हेलो वेलकम फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं ये एनए एरर आया है ना जी। यस सर। तो एनए एरर जो आया है ये क्यों आया है, इसके पीछे हमको बात करनी है। तो देखो एनए एरर मैं निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे इज इक्वल टू वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये वी लुकअप लगाया हमने, वी लुकअप। तो ये लिब्रा कैल्क यूज कर रहे हैं हम, एक्सेल में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो सपोज करो यहाँ पे जो लिखा हो उसी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर तो कुछ लिखा नहीं है, हम बाद में जाकर के लिख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल कुछ नहीं लिखा हुआ है। और इस पूरे डेटा रेंज को सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि यही तो हमारी रेंज है, ठीक है। और यहाँ पर F4 दबा के फ्रेज कर सकते हैं इसको। तो ये फ्रेज कर दिया हमने, कॉमा देंगे। और अब मान लो कि हमको परसेंटेज पता करना है, तो परसेंटेज कौन से कॉलम में है, तो 8 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो यहाँ पे 8 लिख देते हैं। और वी लुकअप के छोटे हुए फॉर्मूले को पूरे करने के लिए यहाँ पे 0 लिखते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट में चाहिए। एन एरर आ भी चुका है, तो कुछ इस तरीके से आपको ये एन एरर मिलता है। यहाँ पर आपको जब कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी फॉर्मूले में लेके आने के लिए, तो आपको एन एरर मिलेगा ही मिलेगा। अब सपोज कीजिए यहाँ पे आप लिख दीजिए राम, आर ए एम, राम लिख दिया। तो जैसे ही राम लिखेंगे तो यहाँ पर आपको एरर जो है, फिर आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा, एरर हट जाएगा यहाँ से। तो ये देखिए ये आ गया है, और यहाँ पर जो एरर आ रहा था वो भी आ गया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।